ABPS News। आज हम बात कर रहे हैं गांव की सड़क व्यवस्था की। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां तक परिवहन व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। अधिकतर किसान अपनी फसल को लेकर व्यापारिक मंडियों तक नहीं पहुंचा पाते और रात दिन खेतों में परिश्रम करने के बावजूद इस परिश्रम का लाभ नहीं उठा पाते। 70 वर्ष बीत गए लेकिन आज भी गाँव में सड़कों की ऐसी हालत है, ना तो पता चलता है कि यह सड़क है और ना ही पता चलता है कि यह तालाब है। ग्राम पंचायत को गणराज्य बनाने का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव की स्थिति को कैमरे में कैद करके सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रही ABPS न्यूज टीम जिला बरेली की तहसील आंवला क्षेत्र के गांव टांडा में पहुंची। ग्रामीणों से बात करने के साथ साथ ग्राम प्रधान भूपेंद्र सिंह चौहान से बात करके विकास कार्यों और सरकार से गांव की अपेक्षाओं पर चर्चा की। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि जितना धन ग्राम निधि से सरकार द्वारा प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार विकास कार्य हो रहे हैं। इस गांव के तहसील मुख्यालय से दूरी 12 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर है। लगभग 5500 की आबादी और 2438 वोटरों के इस गांव में राशन कार्ड धारकों की संख्या 461 ही है, तो वही विधवा पेंशन 70 में से 62 लाभार्थियों को ही प्राप्त हो रही है। बात अगर वृद्धा पेंशन की हो तो इसका लाभ 90 लाभार्थियों को ही मिल पा रहा है, जबकि लगभग 45 ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्हें वृद्धा पेंशन मिल जाए तो उनके बुढ़ापे की लाठी के रूप में उनका साथ देने में जीवन के लिए अमूल्य योगदान होगा। शिक्षा की बात की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय में लगभग 790 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 48 हैंडपंप लगवाए हैं व 18 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 300 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 14 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। साथ ही साथ गांव में 6 खडंजे, सीसी टाइल्स रोड एवं सीसी रोड, मंदिर, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं सरकार से इस गांव की मांग है कि उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, सीसी टाइल्स रोड, पंचायत घर की बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री, 20 प्रधानमंत्री आवास तथा 411 शौचालयों का निर्माण कराया जाए। मैं ग्राम प्रधान भूपेंद्र सिंह चौहान ग्राम टांडा से, मेरा ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद एवं तहसील औला डिस्ट्रिक्ट बरेली का रहने वाला हूँ। मैंने अपने ग्राम सभा में अपने कार्यकाल में काफ़ी कार्य कराए हैं जिनका सिलसिलेवार ब्यौरा तो दे पाना देने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसी स्थिति में मैं संक्षेप में कार्यों के विषय में इस चैनल के माध्यम से कुछ संज्ञान देना चाहता हूं। मैंने अपनी ग्राम सभा में सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए विद्यालयों की बाउंड्री एवं विद्यालयों में शौचालय की मरम्मत कार एवं नवीन शौचालय बनवाए हैं एवं मैंने अपनी ग्राम सभा में स्वच्छता अभियान के तहत नाली निर्माण लगभग 1100 मीटर संपूर्ण ग्राम सभा में, जिसमें मेरे यहाँ 4 मजरे पड़ुआ, गौटिया, देवपुर एवं राजस्व गांव टांडा लगता है। इसमें लगभग मैंने स्लिप इत्यादि नालों पे लगभग 140 स्लिपें एवं 1100 मीटर लंबी दूरी की नालियां निर्माण कराया है, जिससे गांव के पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, स्वच्छता के आधार को मेन थ्योरी मानते हुए सर्वप्रथम शिक्षा, उसके बाद स्वच्छता, गांव में समय समय पर दवाई, रोगाणु, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए छिड़कवाई है एवं मैं अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य केंद्र के लिए एवं आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एवं बारात घरों की संख्या लगभग 2-3-4 भी अगर गवर्नमेंट से मिल जाए तो ऐसी अपेक्षा एवं मांग करता हूँ, जिससे मेरे यहाँ के ग्रामवासी उसकी सुविधा का लाभ ले सकें। मेरे कार्यकाल में लगभग यहाँ बिजली के खंभे 350 खंभे पूरी ग्राम सभा में बिजली के लगवाए हैं एवं मैंने अपने समय पे जल व्यवस्था सुधारने के लिए लगभग 15 हैंडपम्प नवीन ग्राम सभा में तीनों मजरे एवं ग्राम सभा में लगवाए हैं। बाकी सरकार
के स्तर से लगभग यहाँ पूर्व में छुटे हुए अल्पसंख्यक आवास संख्या 9 एवं 6 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को उपलब्ध कराए हैं। शौचालय डिमांड के लिए भेजे गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी, जिला ग्राम विकास अधिकारी से मैंने मुलाकात करके शौचालय के विषय में मांग पत्र दिया था। उस पर उन्होंने कहा है कि प्रधान जी, आप शौचालय निर्माण कार्य लाभार्थी को करवाएं एवं उनको सिलसिलेवार उनके खाते में चेक व्यवस्था दे दें, जिससे कि शौचालय बनना स्टार्ट हो जाए। लाभार्थियों को यहाँ पे शिक्षित किया गया, उन्हें बताया गया कि आप शौचालय निर्माण कराएं, दो भागों में पैसा मिलेगा। एक बार अर्ध निर्माण कार्य पे 6,000 रुपया और पूर्ण निर्माण के बाद फिर पुनः 6,000, लगभग कास्ट 12,000। इस प्रकार की कास्ट प्रत्येक लाभार्थी को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण अंचलों में रहती है, वो गांव व्यवस्था सुधारने के लिए, अपने राष्ट्र के को विकसित करने के लिए, अपने प्रदेश को विकसित करने के लिए गांवों की तरफ विशेष ध्यान देंगे, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। सहायक अध्यापक सचिन कुमार, प्राथमिक विद्यालय टांडा। यहाँ पर 6 अध्यापक हैं, 6 का स्टाफ है, 1 प्रधानाध्यापिका और 5 अध्यापक अतिरिक्त। और यहाँ पर 175 बच्चे हैं। विद्यालय बहुत अच्छा चल रहा है और ये सारी जो बाउंड्री वाल है ये प्रधान जी द्वारा अभी तत्काल में कराई गई है। बाथरूम, शौचालय बन रहे हैं, नल की व्यवस्था ठीक कराई है और विद्यालय अच्छा चल रहा है।